अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक महिला बिचारी क्या कर लेगी, जैसे किसी ने कहा गोलगप्पे खा लेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, कपड़े खरीद लेगी, बस इतना ही तो कर लेगी महिला, और क्या बिगड़ जाएगी? कपड़े पिक्चर देख लेगी, एक महीने 1000 रुपए में एक ही पिक्चर आएगी महीने के अंदर, और क्या बिगड़ जाएगी? ये दूसरी पार्टी वाले बोल रहे हैं महिलाएं बिगड़ जाएंगी, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। अरे तुम बिगड़ गए, तुम्हारे अपने को संभाल लो, तुम महिलाएं नहीं बिगड़ने वाली। जो बीजेपी वाली महिलाएं हैं उनको भी कह देना काम तो तुम्हारा भाई आएगा, ये बीजेपी वाले काम नहीं आने वाले, ये बड़े बदमाश हैं, है ना? कोई कहता है ईवीएम कर रखी है इन्होंने, ईवीएम भी कर रखी है तो 10% कर रखी होगी, हम इनसे 20% वोट ज्यादा लेके आएंगे। हाँ, जो सरकारी नौकरी करती हैं, जो सरकारी नौकरी करती हैं, इन तीन कैटेगरी को छोड़ के बाकी हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000-1000 रुपए मिलेगा। कुछ महिलाएं पूछ रही थी क्या एक परिवार से एक को मिलेगा, नहीं। अगर एक परिवार में मां है उसको अलग मिलेगा, बहू है उसको अलग मिलेगा, बेटी है उसको अलग मिलेगा। तो अगर एक परिवार में तीन महिलाएं हैं जो पात्र हैं तो 3000 रुपए महिला और महीना और साल के 36000 रुपए मिलेंगे। 36000 महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा। महिलाएं परिवार को चलाती हैं, बच्चों को पालती हैं, परिवार को पालती हैं। महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा परिवार सशक्त होगा, और परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। सबसे बड़ी यूनिट समाज की महिला है। और अभी जैसे किसी ने कहा कि जहां पे महिलाओं की इज्जत करते हैं वहीं देवता रमते हैं, वहीं देवता बसते हैं। तो इससे पूरी दिल्ली के अंदर एक खुशहाली होगी। ये लोग मेरा बहुत विरोध कर रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले, केजरीवाल पैसे खराब कर रहा है, महिलाएं बिगड़ जाएंगी, ये कह रहे हैं ना दूसरी पार्टी वाले, महिलाएं बिगड़। अरे तुमने 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया अपने दोस्तों को, तुम्हारे दोस्त नहीं बिगड़े, और मेरी बहू, मेरे बहनें, मेरी माताएं ये बिगड़ जाएंगी, 1000-1000 रुपए से बिगड़ जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा एक महिला बिचारी क्या कर लेगी, जैसे किसी ने कहा गोलगप्पे खा लेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, कपड़े खरीद लेगी, बस इतना ही तो कर लेगी महिला, और क्या बिगड़ जाएगी? कपड़े पिक्चर देख लेगी, एक महीने 1000 रुपए में एक ही पिक्चर आएगी महीने के अंदर, और क्या बिगड़ जाएगी? ये दूसरी पार्टी वाले बोल रहे हैं महिलाएं बिगड़ जाएंगी, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। अरे तुम बिगड़ गए, तुम्हारे अपने को संभाल लो, तुम महिलाएं नहीं बिगड़ने वाली। महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है, बसों का किराया माफ कर दिया, उससे तो महिलाओं का बहुत, मैं जानता हूं बहुत सारे महिलाओं को जो दूर दूर जाना पड़ता था, काम के लिए जाना पड़ता था, पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था, इतना पैसा लगा करता था, अब महिलाओं का वो पैसा बचने लगा है। पूरे दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से सुरक्षा हो गई, अभी काफी और कदम उठाने, लेकिन काफी फर्क पड़ा, सीसीटीवी कैमरों से काफी फर्क पड़ा। आज सबसे कम महंगाई पूरे देश में दिल्ली के अंदर है। एक महिला घर चलाती है, पति तो उसके हाथ में लाके पैसे दे देता है, 20 तारीख को पैसे खत्म हो जाती हैं। उस महिला को पता है वो कैसे अगले 10 दिन काटती है, कैसे अपने बच्चों का पेट पालती है। सबसे ज्यादा महंगाई की मार महिला को पड़ती है,
आज हमने आपकी बिजली फ्री कर दी, आपके बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी, आपके घर का इलाज फ्री कर दिया, आज आपकी पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा फ्री करा रहे हैं, बसों का किराया फ्री कर दिया, इतनी सारी चीजें फ्री कर दी। अभी केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है, पूरे देश में 6% महंगाई है, दिल्ली में केवल 3% महंगाई है, सबसे कम महंगाई है। और ये हजार हजार रुपया मिलने लगेगा, इससे तो और भी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मैं एक चीज आपको आगाह करना चाहता हूं, पिछले 4-5 दिन में जब से ऐलान हुआ है, चारों तरफ फैल गया, अब तो सातों सीट केजरीवाल की आ रही है, ये सोच के घर नहीं बैठना कि अब तो सातों सीट केजरीवाल, ये बड़े खराब हैं, ये बड़े बदमाश हैं, है ना। कोई कहता है ईवीएम कर रखी है इन्होंने, ईवीएम भी कर रखी है तो 10% कर रखी होगी, हम इनसे 20% वोट ज्यादा लेके आएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, तो अब आपकी 3 जिम्मेदारियां दे रहा हूं मैं। एक तो एक एक महिला वोट डालने जाएगी, ठीक है, जो बीजेपी वाली महिलाएं हैं उनको भी कह देना काम तो तुम्हारा भाई आएगा, ये बीजेपी वाले काम नहीं आने वाले, नहीं, ये जितनी बीजेपी वाले महिलाएं हैं मिलती होंगी पास पड़ोस में, और इसमें रिश्तेदारियों में भी बहुत है बीजेपी वाली, सबको बोल देना तुम्हारी बिजली फ्री कर दी, तुम्हारा बस का किराया फ्री कर दिया, अब हजार हजार रुपए दे रहा है, बीजेपी वालों ने क्या दिया, कुछ दिया बीजेपी वालों ने, कुछ दिया बीजेपी, कुछ नहीं दिया, तो क्यों बीजेपी के पीछे पड़ी है, उनको बोलो कि इस बार केजरीवाल को वोट दो। तो एक तो सबको बोलना है कि वोट डालने, सारी महिलाएं वोट डालने जरूर जाएंगी, सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के पूजा करके वोट डालने जानी है पक्की, ठीक है, कोशिश करना 9 बजे तक वोट डालाओ सारे जने। वोट डालने जब जाओगे, जब झाड़ू का बटन दबाओगे, आंख बंद करना, भगवान का नाम लेना, अपने भाई को आशीर्वाद देना और बटन दबा देना, ठीक है। दूसरा काम, अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है, कई मर्द मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा, बोलो अपने सर की कसम खिला देना सबको, बोलो सर की कसम है मेरे पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है, करोगे कि नहीं करोगे। जितनी बेटियां हैं अपने अपने पिताजी को अपने अपने भाइयों को सर की कसम खिलानी पड़ेगी, तो अपने घर वालों को कसम खिलानी है। और तीसरी चीज, अपने मोहल्ले में अपनी गली में घर घर जाके प्रचार करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अगर पैसा कमाता भ्रष्टाचार करता तो आपके लिए बस का किराया मुफ्त नहीं कर सकता था, आपको हजार हजार रुपए नहीं दे सकता था, ये सरकार का पैसा बचा बचा के मैंने आपको बांट दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको चुनाव लड़ना है, ये वाला ये पूरा का पूरा चुनाव आपके जिम्मे है, मंजूर है, हैं जी। तो आप सब लोग आज इतनी भारी संख्या में आए, आपका आशीर्वाद मिला, अब 1-1.5 महीना है, हमारे हाथ सशक्त करो, आप लोग देख रहे हो मैं कैसे लड़ रहा हूं इन लोगों के साथ, रोज ये हर काम रोक देते हैं, अगर ये सातों सीट हमारे पास आ गई तो संसद के अंदर भी मेरे हाथ मजबूत होंगे, फिर एलजी कोई काम नहीं रोक पाएगा, बीजेपी कोई काम नहीं रोक पाएगी, केंद्र सरकार कोई काम नहीं रोक पाएगी, फिर अगर काम रोकेंगे तो ये सातों के सातों जाके उनसे लड़ेंगे और काम करवा के लाएंगे।